Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Guys, good morning from Ratnagiri and welcome to another vlog of Ratnagiri. Aaj सुबह हो चुकी है तो व्लॉग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरे को आज चार जगह का एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट है भाटिया बीच, सेकंड है भगवती फोर्ट एंड द थर्ड वन इज लाइट हाउस नियर बाय द भगवती फोर्ट एंड द फोर्थ वन इज मांडवी बीच एंड गेटवे ऑफ रत्नागिरी। तो फटाफट से आज शुरू करते हैं और निकलते हैं। सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइव, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। So let's roll it. 6:55 हो गए हैं और मेरे को जाना है यहाँ से भाटे बीच, जो कि अराउंड 3 किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ी गोवा वाली फील आ रही है मेरे को और दमन जैसा कुछ फील हो रहा है। ये सुबह सुबह तो बहुत ठंडा है यहाँ पे, तो दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अब देखो ना ये ब्रिज कितना सुंदर आ गया है और नीचे देखना पूरा सी। माई गुडनेस, व्हाट अबाउट दिस मैन, क्या कहना चाहेंगे आप? फुल वेव्स, फुल वेव्स ब्रो, डैम अमेजिंग मैन, क्या वेव्स आ रही है। और ये भी आई थिंक कोई बीच है। और सनराइज देखो यहाँ से होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, पूरा ऑरेंज हो रखा है। एक्साइटमेंट में बाइक फंस गई। यहाँ पे वेव्स मुंबई जैसी नहीं है, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी। लेट मी शो यू गाइस। नहीं, सनराइज पीछे से होएगा, मेरे आगे तो साउथ वेस्ट है, वहां से होएगा। सनराइज हो गया है और वहां से देखो अब पहाड़ियों के पीछे से आ रहा है और दिखने लग गया है। अब यहाँ का पानी है ना वो बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म, वहाँ पे पीछे एक रील बनाने गया था तो मेरे को वहाँ पे क्रैब्स दिखे, बहुत सारे क्रैब्स, देयर आर सो मेनी ऑफ क्रैब्स यार, और सेम इसी पत्थर के कलर के। मेरी तो एकदम से पट गई और मैं भाग आया, बहुत तेज भाग रहे, बहुत तेज। ऐसे जाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है, इतनी साफ बीच है, इतनी साफ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। Just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody. नहीं, सुंदर बीच थी और जब मेरे को वो क्रैब्स दिखे ना, मैं दोबारा भी गया था उनको रिकॉर्ड करने, बट फिर वो मेरे को दिखे नहीं, बहुत सारे थे। बट एक तो यार अंदर से डर भी लग रहा था कि भाई इतने सारे हैं, कोई काट ले, कुछ कर दे, मेरे को नहीं पता काटते नहीं काटते, पर पता नहीं, मेरे को लगता है काट लेंगे, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं है, क्यों रिस्क लेना यार। ये यहाँ पे रीजनल कोकोनट रिसर्च सेंटर है। कल मैं महाबलेश्वर से यहाँ पे रिजर्व लगा हुआ बाइक को ले आया था, तो सोच रहा हूँ आज फ्यूलिंग करा लूँ। अभी 1060 का पेट्रोल आया है और यहाँ पे था 112 रुपये। ये यहाँ पे ब्रेड पकोड़े को पैटिस बोलते हैं, मुझे नहीं पता था ये पैटिस कहने पे ब्रेड पकोड़ा दे देंगे, बट कोई नहीं, लेट्स एंजॉय दिस इन ब्रेकफास्ट। अभी चाय और वड़ा पाव का नंबर है, अब ये खाएंगे। 20 के दे दो। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे हैं 3:15 और मैं निकला हूँ भगवती फोर्ट के लिए, जो कि यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास, अराउंड 2.8 किलोमीटर है। और
क्योंकि मेरे पास दिन कम है और इसलिए मेरे को दोपहर को निकलना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी इस धूप में। धूप तो बहुत तेज़ है यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि रुकते ही ना ऐसे पसीने आते हैं कि पसीने ना बहते जाते हैं। रास्ते में सबसे पहले आया श्री भागेश्वर मंदिर, कुछ ऐसा रास्ता आ गया और वहाँ पे वो ऊपर फोर्ट है। यहाँ पे रोड ही बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आराम से जाना पड़ रहा है, नहीं तो फिसल सकती है ना अपनी बाइक। इस फोर्ट में जैसे ही आप एंट्री करोगे सबसे पहले आपको ये माँ भगवती का मंदिर दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे दर्शन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। Underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York back to my cold apartment, distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you. सारे पैसे हैं वो सिर्फ इस व्यू के हैं, ये है भगवती फोर्ट से व्यू। अभी तो दोपहर है तब इतना धूप हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, मेरे को सब कुछ कुछ भी सब कुछ वाइट दिख रहा है, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फोग है और सारे के सारे क्लाउड सब कुछ, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्काई पानी के अंदर है और दोनों चीज़ें मर्ज हो चुकी हैं। आपको भी दिख रहा होगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि पानी कहाँ तक है। सामने देख पा रहे हो वो है लाइट हाउस, वहाँ पे जाना है, देखो कितनी दूर है। यहाँ पे कहीं पे भगवती फोर्ट की गुफा भी है जो कि बंद हो गई है क्योंकि वहाँ पे सारा सी आ गया, पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है तो इसलिए वो बंद है। लाइट हाउस तो ये रास्ता है भाई लाइट हाउस जाने का। आंटी यहीं पे भेज रही हैं, ये कैसा रास्ता है भाई, यहाँ तो अपनी बाइक पहले गियर में जाएगी और ब्रेक लग जाएगी तो पीछे चली जाएगी। ये क्या रास्ते हैं रे भैया। सो दिस इज द लाइट हाउस गेट, यहाँ तो ताला लगा हुआ है यार, लाइट हाउस तो बंद है, लाइट हाउस पे भी ताला लगा हुआ है। वापस जाने का व्यू देखो, पूरा सी है पूरा और वो सामने भगवती फोर्ट है। से स्टीप रास्ते पे ना चढ़ना तो फिर भी आसान होता है, वापस उतरना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये मुश्किलें जब बढ़ जाती हैं जब आगे रोड ना हो और ऐसी मिट्टी हो और नीचे कोई दीवार नहीं कुछ नहीं और वो भी सब टूटा हुआ। ओ भाई बच गई। तो ये मुश्किलें ना यहाँ बढ़ जाती हैं। अभी देखो जैसे आगे पत्थर आया था, बैलेंस बिगड़ा, तो ये है दिक्कत माता दी। चलो। जो भी स्टार्टिंग से व्लॉग्स सारे देख रहा है, पूरी सीरीज ये, उसको पता होगा कि मेरी बाइक की एक चाबी खो गई थी वडोदरा में, जो कि अब मुझे बनवानी है इससे पहले कि दूसरी खो जाए। कुछ नहीं पता यार, इतनी लंबी राइड है कितना लंबा चलेगा, तो पहले मैं चाबी बनवा लेता हूँ। यहाँ पे रत्नागिरी में मेरे को कुछ किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई मंदिर है और वहाँ पे कोई चाबी बनाता है, सो एक बार पता करके और चाबी वगैरह का काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाबी बनाते हो? कितने बजे? तो अभी 6 बज गए हैं और मेरे को जाना है यहाँ से मांडवी बीच, जो कि अराउंड 1.3 किलोमीटर है, 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे होटल से मांडवी बीच पे है गेटवे ऑफ रत्नागिरी, जहाँ पे फिश मार्केट हुआ करती थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी, आज से बहुत टाइम पहले, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है और जो भी होगा देख के पता चलेगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तो ये आ गई है मांडवी बीच, मेरे को सिर्फ 2 ही मिनट लगे हैं शायद आने में, द गेटवे ऑफ रत्नागिरी।
ये सारे पत्थर पे क्रैब है, जितने भी पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये देखो कितने क्रैब है, सारे क्रैब, ये देखो। अभी कितने की बनाते हो? इट्स 8:50 इन द इवनिंग और मैं होटल पे आ गया था। वहां का व्यू बहुत अच्छा था, क्रैब्स थे साइड में बहुत सारे जो कि देखने को मिले, मतलब कि लोग खाते हैं मेरे को देखने को मिले, अच्छा लगा। और वहाँ का जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सनसेट बहुत प्यारा हो रहा था और वहाँ का नाइट का भी जो लाइट सारी ऑन हो गई थी उसके बाद तो क्या व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत अच्छे से वेल स्पेंड। जो भी नेक्स्ट प्लान होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, बाय बाय। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, चाबी अभी भी नहीं बनी बाइक की, उनके पास चाबी अवेलेबल ही नहीं थी और यहाँ पे एक ही शॉप थी और एक ही शॉप में और उस शॉप पे मैंने पता कर लिया।